हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू गेमिंग वीडियो गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आई थिंक आप सब लोग बढ़िया होंगे। गाइस तो गाइस आज के इस गेमिंग वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल वॉल, और जो अपना पैरासोरस है वो रह गया था, तो गाइस आज उसी को अपन लोग जो है वो टीम करेंगे। तो पैरासोरस टीम करने के लिए पहले बोला वगैरह क्लैप कर लेते हैं। तो थैच, स्टोन, फाइबर और हाइट अपन को चाहिए। थैच, फाइबर और हाइट तो अपने पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। रैप्टर के पास काफ़ी सारा हाइट नहीं है भाई, मैंने सोचा तो रैप्टर के पास हाइट होगा यार। चलो हाइट शायद मैंने रख दिया था, तो हाइट वगैरह ले लेते हैं पहले। देखो तो हाइट है, थैच है ही, फाइबर है, स्टोन है, और क्या चाहिए भाई तुझे बनाने के लिए? बोला बोला कहाँ गया? बना सकते हैं आराम से, मैंने तीन बोले बना लिए। और इसको भी रिपेयर करना है, तो इसकी भी रिपेयरिंग गाइस स्टार्ट हो चुकी है। मतलब इसको यहाँ पे अपन को इपिक करना है। तीनों ये तो बन गए हैं। अब इसको रिपेयर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है? फ्लेंट बोर्ड और थैच। फ्लेंट बोर्ड और थैच ख़त्म हो चुके हैं गाइस अपने पास। चलो गाइस लेके आते हैं। फ्लेंट बोर्ड और थैच चाहिए अब इसके लिए। चलो गाइस पहले फ्लेंट और बोर्ड और थैच। चलो बोर्ड और थैच तो इससे मिल जाएगा। अच्छा सारा बोर्ड मिल गई। अब बस फ्लिंट और कलेक्ट करना है गाइस अपन को। तो फ्लिंट इनसे मिल जाएगा गाइस अपन को इजीली। तो फ्लिंट दे दो भाई। फ्लिंट भी मिल चुका है अपन को बोला। और इसको भी रिपेयर कर लेते हैं गाइस। अच्छा इसके लिए बोर्ड और फाइबर चाहिए। तो चलो बोर्ड पहले कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फाइबर कलेक्ट कर लेंगे। फाइबर चाहिए या हाइट चाहिए भाई रिपेयर करने के लिए? तो इसको फाइबर। चलो गाइस फाइबर भी अपने पास इजीली मिल जाएगा। फाइबर मिल चुका है गाइस, तो इसको भी रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए भाई स्टोन वगैरह थोड़े कलेक्ट कर लो, क्योंकि स्टोन वगैरह की यूज पड़ जाएगी अपन को। स्टोन स्टोन एक एंशिएंट एम्बर भी मिल गया गाइस स्टोन के साथ ही साथ। चलो अच्छा है, उसका भी बाद में कहीं ना कहीं तो यूज आएगा ही एंशिएंट एम्बर का। चलो पहले थोड़ा स्टोन वगैरह कलेक्ट कर लेंगे गाइस। स्टोन से जल्दी इजली नॉक हो जाते हैं। स्टोन भी काफ़ी सारा कलेक्ट कर लिया गाइस। चलो इतना स्टोन काफ़ी रहेगा। अब बस पैरासोर दूध इस बार तो भाई जो पैरासोर मिलेगा उसी को मैं टेम कर लूँगा। पहला पैरासोर जो दिख जाए, कम से कम लेवल का हो। बस बैरीज कलेक्ट करने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे गाइस, क्योंकि बस मुझे बैरीज कलेक्ट करवानी है उससे, और कुछ नहीं करना है भाई उसका यूज। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बैरीज कलेक्ट करके दे दे भाई मुझे पैरासोर। भाई कार्बोनेमी तो इतने दिख रहे हैं कि क्या बताऊँ। बस पैरासोर दिख गया, दिख गया भाई। दो दो पैरासोर दिख गए हैं। दिखते हैं भाई पानी के अंदर क्यों जा रहा है। लेवल पहले पानी के बाहर आ तू भाई। मैं कहाँ फंस गया भाई? मैं मुझको फंसा लिया था इसने। थोड़ा स्टेमिना रिकवर हो, स्टेमिना भाई जल्दी रिकवर हो जा। हो गया रिकवर। इसकी हेल्थ कितनी है? वो तो लेवल 25 का, 55 का है मैं, सॉरी। इसको टेम करता है, कम लेवल का चाहिए गाइस अपन को, क्योंकि वो जल्दी टेम हो जाएगा भाई। पैरासोरस का ज़्यादा कुछ यूज बाद में है नहीं, जब यूज़ आएगा तब हाई लेवल का टेम कर लेंगे अपन लोग। ये कितनी लेवल का? यहाँ पे भी एक और घूम रहा है, इसकी लेवल और चेक कर लें भाई। सारे के सारे पानी के अंदर क्यों जा रहे हैं? कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है क्या इन सबको? लेवल 25 का है भाई, ये क्या चीज़ है? नीड टेमिंग फूड टू टेम भाई। चलो वो वाला बाहर निकल आया पैरासोरस भाई। टेमिंग फूड तो अभी मेरे पास नहीं है, सॉरी गाई, तो अभी मैं आपको टेम नहीं कर सकता। वो वाला पैरासोरस बाहर निकला था ना? हाँ वो है, बाहर निकल के आ गया। बस जल्दी जल्दी मैं पहुंच रहा हूँ भाई। आ रहा आ रहा आ रहा, आराम आराम से भाग मत जा भाई। पैरासोरस ने अपना एग भी दे दिया, मतलब फीमेल है। चलो एग भी मिलते रहेंगे इससे भाई, इसी को टेम करना पड़ेगा। तो 480 हेल्थ है, और आ गया कैप्चर में। मार जल्दी 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 जल्दी, बोला से मार, बोला भाई मार ना। काफ़ी सही,
डैमेज काफ़ी अच्छा पड़ रहा। भाग गया भाग गया भाई मेरे, बस इस बार भाग के जाएगा कहाँ। इस बार मैंने ऐसी जगह पे फंसाया से कि वो भी नहीं भाग पाएगा। बोला फेंक दूँ बस इसके ऊपर, भाई पकड़ में आ गया बोला के। इस बार तो गया तू भाई, गया गया पक्का गया इस बार तू मेरे कब्जे में आने वाला है भाई। पैरासोरस एक हेल्थ काफ़ी डाउन कर दी इसकी तो अपन ने, हो गया। आखिरकार गाइस ये अनकॉन्शियस हो चुका है। चलो गाइस फाइनली इसको अनकॉन्शियस हो गया, इसके लिए अब थोड़ी बैरिज वगैरह कर लेते हैं और घर से थोड़ा बायो उठा के लाते हैं, क्योंकि बायो के बिना काम नहीं होगा, क्योंकि बायो जो है वो हेल्प कर देगा जल्दी से। तो बायो कलेक्ट करके लाते हैं घर से जल्दी से, थोड़ी बायो कलेक्ट करने के लिए घर पे जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी। घर पे पहुंचते हैं गाइस और अपन लोग बायो को कलेक्ट करके लाते हैं। घर गाइस अपन को घर को भी रीडिज़ाइन करना है। घर को भी मैं सोच रहा हूँ कि थैचका हाउस कब तक बनाए रखें, थैचका हाउस तोड़ के अब वुड का या फिर स्टोन का, वुड का हाउस बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर स्टोन का हाउस बनाएंगे, पहले वुड का हाउस। ब्रॉन्ट भाई तेरे को भी मैं टेम करूँगा एक दिन, आने दो टाइम, आए दो मैं तुझको भी टेम करूँगा भाई। ब्रॉन्टो को भी अपन लोग टेम करेंगे, बस टाइम की बस ये है ना, अभी अपने पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि अपन लोग ब्रॉन्टो को टेम कर रहे। क्या लेने आए थे गाइस, अरे भूल गया मैं, बायोटॉक्सिन, अब याद आया बायोटॉक्सिन 29 ले लिए मैंने, नारकोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ये इसको यहाँ पे रख दो। और पैरासोरस का सैडल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ता भाई, पहले इसके इनग्राम ओपन करना पड़ेगा। पैरासोरस सैडल हो गया भाई, हाइड है, फाइबर है, बुड अकेली कलेक्ट करनी पड़ेगी अपन को, सारी चीज़ें हैं मतलब अपने पास। पैर हाई मतलब सैडल भी इजीली बन जाएगा इसका, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस जल्दी से जाके इसको इजीली टेम और हो जाए। इसके लिए बैरीज वगैरह कलेक्ट करके चलते हैं गाइस, तो जल्दी जल्दी टेम हो जाएगा। मैजो बैरी जितनी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा मैरो बैरी मिल जाए तो मैजो बैरी से जो है वो जल्दी टेम होते हैं डायनोस। नॉर्मल बैरीज के अलावा मैजो बैरी ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है भाई। रॉक कैरेट मिल गई भाई, मैंने सोचा नहीं था रॉक कैरेट मिलेगी भाई, मेरे पास रॉक कैरेट अभी एक भी नहीं है, पहली रॉक कैरेट आई है गाइस अपने पास। चलो गाइस थोड़ा और, चलो इतना वैरीज वगैरह तो काफ़ी रहेंगी, अब देखते हैं उसकी कंडीशन क्या है। पता चले अपन लोग लेट हो जाए और वो उसका अनकॉन्शियस टूट जाए, फिर सारी मेहनत पानी में जाएगी गाइस अपनी। पिछली बार जैसा कि आपको याद ही होगा, अपन ने नॉक किया था और वो भाग गया, फिर तो सारी मेहनत पानी में चली गई अपनी। भागा इतनी स्पीड में ना कि क्या ही बताएं गाइस। भाई जी डिलो किसको पंग किसको मारने जा रहा, डोडो को मारो तुम, तुमने आ गया मेरे पैरासोरस को। पैरासोरस कहाँ गया भाई, गाइस पैरासोरस कहाँ गया, यही कहीं पर तो नॉक किया था मैंने उसको। पैरासोरस अपना पैरासोरस कहाँ चला गया भाई, यहीं पर टीम मारा था उसको, गया पंगा हो गया भाई। इनको भी अभी पीछे आना था भाई, यहाँ पे मेरा पैरासोरस भाग गया, तुझे अपनी पड़ी हुई है, मर तो जाओ तुम सबकी सब, तुम लोग भी मरो पहले। उन चिटिन यानी कौन कौन से डायनो आ जाते भाई, पैरासोरस कहाँ भाग गया, इतनी मुश्किल से उसको नॉक किया था मैंने, भाग गया यार, भाग गया कि कुछ गड़बड़ वगैरह हो गई यार, समझ में नहीं आ रहा गया कहाँ। लेकिन वही स्टैमिना रिकवर करके फिर से देखना पड़ेगा, भूख भी लगाई, चलो पहले कुछ खा लेते हैं भाई, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर पैरासोरस चला गया। फिर से उसको टेम करना पड़ेगा दोबारा न्यू पैरासोरस को, कहीं डिलो ने तो नहीं मार दिया इसको, डिलो अगर तूने मारा होगा ना तो मैं तुझे बता रहा हूँ तेरी चटनी बना दूंगा। भाग रहा और भाग रहा, मतलब इसी ने किया, इसी ने किसने, इसी ने किया, इसने
ये बहुत गंदा लच्चा हो गया है, इसको पहले मारना, मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। भाई डिलो यहाँ पे वैसे इसी एरिया में कहीं पे होना चाहिए, चेक करते हैं एक बार अच्छे से। भाई पैरासोर यहीं कहीं पे मैंने नॉक किया था उसको, गया कहाँ भाई? नॉक करने के बाद मुझे लोकेशन देखनी चाहिए थी उसकी। पैरासोर फालतू की मेहनत बर्बाद चली गई गाइस अपनी फालतू की। अब क्या करें गाइस, नया पैरासोर टेम करें? वो तो भाग गया, क्योंकि अब नया पैरासोर टेम करने के लिए अपने पास सामान भी नहीं है। पहले बोला वगैरह क्रैप करना पड़ेगा, स्टोन। भाई पंगा बहुत गंदा वाला पंगा हो गया ये, स्टोन काफ़ी सारे चाहिए अपने पास। स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा खासा अपना पैरासोर टेम हो गया था ना, मतलब टेम क्या हो गया था, मतलब टेम होने वाला था, लेकिन क्या करेगा इस पंगा हो गया। एक लास्ट ट्राई देख लेता हूँ कि यहीं कहीं पे हो शायद, वैसे बिल्कुल बाउंड्री पे जाके मैंने मारा था, दिख तो रहा नहीं बाउंड्री पे कहीं पे। भाई इतनी ऊपर तो नहीं आ रहा था, मैंने उसको नीचे ही नॉक किया था उसको, कहीं पे बिल्कुल किनारे पे नॉक किया था, बिल्कुल फंसा के गाइस उसको। बट गया कहाँ ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। चलो पंगा हो गया, वो तो गया। अब अपन को नया पैरासोर टेम करना पड़ेगा। भाई एग भी यहीं पे डला है, मतलब गया कहाँ तू, गया कहाँ भाई मेरे, वापस मिल जा। अच्छा खासा गाइस पैरासोरस, चलो गया तो गया, अब उसकी उम्मीद छोड़ दो, नया पैरासोर टेम करने की सोचो अब। भाई तेरी हेल्थ कितनी है? 200, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हेल्थ, पहले इसको रिपेयर कर लो, नहीं तो पता चले इतने भी धोखा दे दिया। भाई कहाँ जा रहा है? भाई पंगा, अगर भागे ना तो इस तरफ भागना तू भाई, और कहीं नहीं जाना। भागना, भाग 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 गया, भाग गया। भाई थोड़ी हेल्थ रह गई, पिट जा भाई, पिट ले पिट ले पिट ले। भाई समुद्र के अंदर एक तो स्पीड भी इतनी स्लो कर देते ये लोग। भाई थोड़ा बचा वो, थोड़ा भाई थोड़ा पिटले, पहले उसको भाई दीवार बाउंड्री पे जाके चिपकना, बाउंड्री पे जाके जैसे वो चिपका था तू भी वैसे ही चिपक जाना बस। भाई गया गया, फंस गया फंस गया। बस अपन को थोड़ा टेढ़ा जागना है भाई, स्टोमच अभी तू गार्डलिंग करता रहे, पहले पैरासोरस को टेम करना है अपन को। फंसा हुआ है अभी भाई, फायदा उठा सकते हैं पर लोग। हो गया, चल गाइस फाइनली हो चुका है, अब खल कुछ खा ले, नहीं तो पता चले अपन लोगों की डेथ हो जाए। खुद मैंने कुछ खा लिया, अच्छा खासा खाना भाई, बड़ी मेहनत के बाद फाइनली। बैरीज वगैरह कलेक्ट कर ले। भाई तुझे क्या चाहिए पड़ता? टेमिंग फूड, टेमिंग फूड कौन सा है भाई ऐसा? भाई फाइनली अब इस बार मैं इसको छोड़ के ही नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। पिछली बार छोड़ के चला गया था, पंगा हो गया था गाइस। फाइनली अपन ने दोबारा इसको नॉक कर दिया है पैरासोरस को। बस अब गली से गाइस इसको अपन लोग टीम करके मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइस,
फाइनली गाइस अपना पैरासॉर जो है वो टेम हो चुका है, तो अब इसको घर अपने साथ ले जाके इसको घर पे ले चलते हैं गाइस। तो जल्दी से गाइस, बड़ी मेहनत के बाद अपना पहला पैरासॉरस जो है वो टेम हो चुका है, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी गाइस इसके लिए। अपन को कितनी मतलब कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा इसको टेम करने के लिए गाइस, लेकिन फाइनली चलो पैरासॉरस तो अपना टेम हो चुका है। भाई कहाँ गया भाई, इतनी मुश्किल से तो टेम हुआ था, ऊपर से नखरे दिखा रहा है, मतलब आ भी नहीं रहा। जल्दी जल्दी पीछे पीछे आ, बता दिया अगर तू कहीं भाग गया ना। बड़ी मुश्किल से टेम किया है मैंने तुझे भाई। पानी थोड़ा पी ले क्योंकि मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, कुछ ज़्यादा ही डिहाइड्रेट हो गया मैं, क्योंकि इसको टेम करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी गाइस। चलो गाइस अब इसका पैरासैडल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था अपने पास। वुड मैं थोड़ी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वुड कलेक्ट करके चलते हैं अपन लोग, शायद वहाँ पे वुड ना हो। हाइट तो पर्याप्त मिल जाएगा अपन को गाइस वहाँ पे, मतलब बेस पे हाइट अपने पास तो है। जल्दी आ भाई, तू इतनी स्लोली स्लोली आ रहा है। बेस पे अपने पास हाइट तो पर्याप्त है, बस थोड़ा वुड कलेक्ट करके चले। हो गई गाइस इन वुड, तो चलो बस जल्दी से अब बेस पे जाके इसको गाइस। पता एक पंगा हो गया था अभी, वो अपन ने पहले जो टीम किया था वो भी पता नहीं क्या हुआ, मैं बेस पे गया, बेस से वापस आया तो शायद लगता है डिस्पॉन हो गया था वो, फिर मुझे नया ढूंढना पड़ा। उसके बाद फिर मुझे नया उसको नॉक किया, फिर भाई इसको टीम किया, फिर ये मतलब मैंने कहा मैं उसके पास से जाऊँगा ही नहीं अब, कहीं जो होगा देखा जाएगा भाई। मैं उसके पास ही से नहीं हिला बिल्कुल, सारा सामान तो पहले से ऑलरेडी अपन लोग कलेक्ट करके रखे ही हुए थे, तो बस उसके पास से फिर मैं हिला ही नहीं। मैंने कहा भाई अब मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, तू बस टेम हो जा कैसे भी। आ रहा है स्लोली स्लोली, बस जल्दी से आ जा भाई बेस पे अपने। आ गया, आ जा आ जा आ जा, आराम से थोड़ा आगे आ जा अगर कोई तुझे निपटा ना दे भाई, बड़ी मुश्किल से तू टेम हुआ है। चलो इसको स्टॉप कर दिया, अब अपन को क्या चाहिए, बस कब सैडल बनाने के लिए। सैडल बनाने के लिए गाइस हाइट चाहिए 80, हाइट तो अपने पास पर्याप्त है गाइस। हो गया सैडल क्राफ्ट, अब इसको रख देते हैं। फाइबर काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए गाइस अपन ने, तो फाइबर बाद में अभी यूज आ जाएगा, तो फाइबर का भी यूज कर लेंगे। तो सामान को पहले रख देते हैं, नारको बैरी इसको क्राफ्ट कर लेते हैं। अच्छा बस अपने पास स्पॉयल मीट ही ख़त्म हो गया भाई, अब स्पॉयल मीट नहीं है गाइस अपने पास, जब जो चाहिए होता है वो कभी नहीं रहता, और जब जो चाहिए नहीं होता वो इतना सारा रहता है कि क्या ही बताएं गाइस। इसको परस इसको यहाँ पे रख देते हैं भाई, थैच और वुड। थैच तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा ना, हाँ थैच तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वुड भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं अपन लोग। तो पैरासॉरस का सैडल तो क्राफ्ट भाई कहाँ फंस गया, निकल गया। चलो गाइस पैरासॉरस का सैडल अपन ने बना दिया, ये इसको सैडल बना देते हैं, और जितनी भी बैरीज वगैरह अपने पास हैं वो सारी इसके अंदर ही रख देते हैं, तो खाता रहेगा भाई बैरीज ये। मैंने सैडल इक्विप तो किए ही नहीं इसको, अब देखो गाइस मैं इसका यूज कर खाता हूँ आपको भाई। ये बैरीज कलेक्ट करने में इतना अच्छा है ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी ईजिली बैरीज कलेक्ट करके देगा भाई। थोड़ी आगे चलो भाई, हाँ देखो गाइस कितनी सारी बैरीज कलेक्ट करके दे दी इसने इतनी ईजिली, मतलब क्या ही बताओ, मतलब बैरीज तो इतनी ईजिली कलेक्ट करेगा ये, मज़ा आ जाएगा गाइस अपन को। बैरीज कलेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, देखो इतनी सारी बैरीज कलेक्ट करके दे दी एक ही बार में गाइस। नार्को बैरीज भी काफ़ी अच्छी कलेक्ट कर रहा है ये, अभी नार्को बैरीज वगैरह क्योंकि अपन को चाहिए पड़ेगी, क्योंकि ट्रैंक एरो वगैरह बनानी है, तो अभी ब्रॉन्टो वगैरह मतलब बड़े डायनो को टेम कर पाएंगे अपन लोग। देखो जैसे कि आप लोग सब गाइस देख ही सकते हैं कि कितनी ईजिली अपन को इतनी सारी बैरीज कलेक्ट कर ली है अपन ने। गाइस देखो कितनी सारी अपन ने बैरीज कलेक्ट कर ली है इतनी ईजिली। ओहो थोड़ा मतलब नीचे से मानना पड़ेगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, अब कलेक्ट क्यों नहीं कर रहा, उल्टा करके लिखते हैं। हाँ अब यूज आया, अब करना अब ईजिली कलेक्ट कर रहा है।
पता नहीं पहले क्या दिक्कत हो गई थी गाइस। अच्छा मतलब नीचे हो गया होगा जिस वजह से। चलो तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपन लोग एक नई गेमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।